नमस्कार, YouTube ज्ञान आपका स्वागत करता है। आज 1 मार्च है। 1 मार्च का आप सभी को इंतज़ार था, हमें भी था, क्योंकि आज बिहार SI का जो फाइनल रिजल्ट है उस पर जो बहस चल रही है, कोर्ट में मामला जो चल रहा है, उसका रिजल्ट आने वाला था, जजमेंट आने वाला था। और अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं YouTube ज्ञान में SI से रिलेटेड, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो थोड़ी सी फ्लैशबैक की बात करते हैं कि हुआ क्या था। कि ये मामला जब कोर्ट में गया था, सिंगल सिंगल बेंच से ये मामला डबल बेंच में गया, 13 तारीख को इस पर काफ़ी लंबी बहस हुई। उसके बाद 15 तारीख को भी काफ़ी लंबी बहस हुई। इन बहसों के बाद 18 तारीख को फाइनल जो बहस हुई, उसके बाद ये डिक्लेयर किया गया कि ये इस पर जो रिजल्ट होगा, इस पर जो जजमेंट होगा, वो 1 मार्च को लाया जाएगा। अब 1 मार्च के दिन, आज का दिन मुकर्रर किया गया था न्यायालय के द्वारा कि आज फाइनल कर दिया जाएगा, इस पर बहस नहीं होगी, यानी कि बहस अब समाप्त हो चुकी है। आपका जो भी निर्णय है वो कागज़ों एक लिफाफे में बंद हो चुका है, वो आज बताया जाने वाला था। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि आज सीधा सीधे कहा गया कि तकनीकी कारणों के कारण जजमेंट नहीं आ सकता है। अब तकनीकी कारण एक बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड शब्द है, यह हो सकता है टाइपिंग का प्रॉब्लम हो, या न्यायालय की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग बहुत ज़्यादा ब्रीफिंग उस पर नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से बताया नहीं जाता है। एक टर्म यूज़ किया जाता है, तकनीकी कारण। तो यानी कि निश्चित तौर पे इस पे अब बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होने जा रहा है, बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं होगी, अब बहस भी नहीं होगी, किसी तरह की कोई संभावना नहीं है। जो भी डिसीजन लेना था न्यायालय को, वो ले चुका है। तो आप निश्चित तौर पे मानिए कि जो फाइनल रिजल्ट है वो 5 तारीख को आ जाएगा, 5 मार्च को। यानी 5 मार्च को न्यायालय ने कहा है कि इसका डिसीजन सुनाया जाएगा। अब ये मामला क्या है, क्या होगा, इसकी तो बात हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये मामला न्यायालय में है। लेकिन ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, इसकी अगर आप जानकारी चाहते हैं, तो अभी अभी तो नहीं है, शाम तक आप बिहार पटना हाईकोर्ट के वेबसाइट में जाएंगे और LPA 233/2019 ये डालेंगे, तो ये जो हमने बात कही है, ये बात आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। 5 मार्च को अब आपका फाइनल रिजल्ट आने वाला है। तो ये जजमेंट किसके तरफ जाएगा, कि जो फिजिकल पास हैं उनके तरफ जाएगा या जो नहीं है उनके तरफ जाएगा? कमीशन क्या करता है, मार्कशीट जारी करता है, नहीं करता है, आयोग जीतता है, हारता है, ये सारे सवालों का जवाब तो आपको 5 मार्च को ही मिलेगा। लेकिन प्रथम दृष्टया ये लग रहा है, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है, हमने वकीलों से भी बात की जो इस मामले से जुड़े हुए हैं, तो पता चल रहा है कि ये मामला थोड़ा सा झुका हुआ है, जो इस ये फिजिकल पास है उनकी तरफ झुका हुआ है। लेकिन फाइनल डिसीजन तो हम नहीं बता सकते हैं, वो न्यायालय में है, न्यायालय आप 5 तारीख को क्लियर कर देगा। तो इंतज़ार कीजिए 5 तारीख का, और इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आप तक ये एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। ये बिहार SI से जुड़ी हुई बात थी, लेकिन एक बात और भी आपको बता दें कि कोई भी वनडे या PCS का जो एग्जाम होता है, उसका हम टेस्ट सीरीज चलाते हैं, उसके लिए मटेरियल लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक वो सारी चीज़ें पहुंचे बहुत बेहतर ढंग से, बहुत ही सिलसिलेवार, बहुत ही मैनेज्ड तरीके से आप तक वो पहुंचेगा। बिहार, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर PT की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लगातार वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो 64th का क्वालिफाई किए हैं, वो लोग हमें थैंक्स बोलते हैं। तो आप समझिए कि हमारा वीडियो कितना इंपॉर्टेंस रखता है आने वाले एग्जाम के लिए, हमारा चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन भी पहुँचे, नॉलेज भी पहुँचे और स्ट्रैटेजी भी पहुँचे। शुक्रिया आपका। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी दबा लें। थैंक यू।